मेहता का उल्टा चश्मा। भाभी मेरे हिसाब से तो हरी भाई के सामने जाके हम बातचीत कर लेते हैं, सारी गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं मेहता साहब। मेरे हिसाब से भी हरी भाई के साथ गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके आपको दूर कर लेनी चाहिए। मेहता साहब जैसे ही गलतफहमी दूर हुई कि शादी कैंसल। चलो देखें। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हो? कोई जोक हुआ क्या? हाँ बेटा, बहुत बड़ा जोक हुआ है, है ना बाबूजी? लेकिन ये टिपेंद्र कुमार सामने क्यों नहीं आते? बाबूजी, अरे आप, ये तेरी बेटी छुटकी है बराबर? हाँ। और छोटी है वो गुड़िया। बड़ी का ऐसा नाम क्यों रखा छुटकी? अरे आपको नाम पसंद नहीं आया, इतनी सी बात में आप लोग अंदर चले गए? अरे शादी के बाद में नाम बदल देना। नहीं नहीं, नाम तो पसंद है ना, पर क्या है कि छोटी लड़की को ही छुटकी कहते हैं ना, और आपको तो इससे भी छोटी लड़की गुड़िया है, तो हम उसको ही छुटकी समझ रहे थे। तो फिर टिपेंद्र कुमार? अरे मैं ही तो हूँ टिपेंद्र उर्फ टप्पू। यानी टप्पू और टिपेंद्र एक ही है क्या? हाँ। चंपक चाचा, ये टिपेंद्र उर्फ टप्पू की शादी की बात आप कर रहे थे? हाँ भाई हाँ। तो गार्डन में जो लड़का देखा था वो कौन था? गार्डन में तो टप्पू के साथ मैं आया था। तो छुटकी, तू जो बोल रही थी वो लड़का कौन था? अरे मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई और लड़का रहा होगा जिससे गार्डन में मिली होगी। हे भगवान, कितने बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं, तो शादी अभी है कैंसल। चंपक चाचा, ये क्या हो रहा है? ये क्या बेहूदा मजाक है? हमने क्या क्या सपने देखे थे। छुटकी, अब ये शादी जरूर होगी। आप टिपेंद्र और टप्पू की शादी करना चाहते हैं ना? मैं करूंगी टप्पू से शादी। क्यों टप्पू? ये लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है। छुटकी, तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी। टप्पू, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे शादी? गियर वाली साइकिल मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मतलब तू साइकिल के लिए शादी कर रहा था? हाँ। अरे ये तो ना समझ है, लेकिन बेटी तुझ में तो समझ है ना, है? तू इतनी बड़ी, ये इतना छोटा, ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? आप मानते हैं कि ये ना समझ है, छोटा बच्चा है, फिर भी आप इसका बाल विवाह कर रहे हैं? जब ये बाल विवाह हो सकता है तो फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? कम से कम इस रिश्ते में मैं तो मैच्योर हूँ, वरना अगर दोनों बच्चे होंगे तो शादी की जिम्मेदारी की बोझ से दो मासूम फूल मुरझा जाएंगे। अब आप लोग ही बताइए, क्या शादी की जिम्मेदारी उठाना आसान है? अरे इधर बड़े लोग शादी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं, तो बच्चे कहाँ से उठाएंगे? बड़े तो बच्चों की शादी करा देते हैं, लेकिन बाद में छोटे बच्चों के जीवन का क्या?
सोचा है आपने कभी? ये लड़की का स्क्रू ढीला नहीं, एकदम बराबर है मेहता साहब। सही कह रहे हो। बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना गलत कदम उठाने जा रहा था। चंपक चाचा, फिर हम भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से। अरे लेकिन इस तरह समझाना चाहिए ना। अरे इस तरह मतलब क्या चाचा जी, ये तो वही मिसाल हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे बताइए कौन सा तरीका ऐसा था जिससे हमने आपको नहीं समझाया, लेकिन आप तो जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन आप देखिए कि मैं उस शादी के खिलाफ इतना विरोध में था कि आज भी इस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे विरोध तो मैंने भी क्या कम किया मेहता साहब, लेकिन बापू जी है कि बस टप्पू की शादी की जिद पकड़ के बैठे थे। अरे वो जिद नहीं, मेरी फिक्र थी। अरे आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे किसी से भी कहीं भी शादी कर लेते हैं, और फिर होता क्या है, शादी टूट जाती है। तो मैंने सोचा कि मेरे जीते जी मेरे टप्पू की शादी अच्छे खानदान में अच्छी लड़की के साथ करा दूं। चंपक चाचा, आपकी फिक्र सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस समस्या का हल बाल विवाह तो नहीं है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा जिसको हम लोगों ने हिंदुस्तान से जड़ों से उखाड़ फेंका, आप उसे फिर से बोलने जा रहे थे? अरे चंपक चाचा, कुछ बच्चे नादानी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे नादानी करेंगे। ठीक कह रहे हो हरिया, गलती मेरी ही है, और ऊपर से टप्पू ने शादी के लिए यहाँ कर दी तो मैं तो और जोश में आ गया। अब मुझे क्या पता था कि वो साइकिल के लिए शादी करना चाहता है। अरे बापू जी, ये साइकिल के लिए शादी कर रहा हो या ऐसे ही शादी कर रहा हो, बाल विवाह गलत बात है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? जेठिया, आज जिंदगी में पहली बार तू सही और मैं गलत हुआ। बापू जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले एक महीने में ये बात आप दो तीन बार बोले मेरे लिए? अबे चुप रहे बापू चाक। बापू जी जरा सी तारीफ क्या कर दी है हरिया, ये तो सर पे ही बैठ गया। लेकिन हरिया, मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और बापू जी, मैंने भी गलती की है तो मैं भी सबसे माफी मांगती हूँ। अरे गलती का एहसास ही सबसे बड़ी माफी है, हम लोगों के लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेहता साहब, लेकिन बेटी मेरी वजह से तेरे सपने टूट गए हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, अरे तूने जो लड़का गार्डन में देखा था ना, उससे भी अच्छा लड़का मैं तेरे लिए ढूंढूंगा। अरे मैं तेरी शादी कराऊंगा। इसीलिए कहते हैं चाचा जी कि अंत भला तो सब भला। इसी बात में मैं भी अपना आंदोलन समाप्त कर दूं। धीरे धीरे। पापा, तो मेरी साइकिल? अरे साइकिल क्या बेटा, मैं तुझे प्लेन दिलाऊंगा, लेकिन आज के बाद तू किसी भी चीज के लिए शादी करने को तैयार मत होना। आज की ये गुलाबी ठंड बहुत अच्छी लग रही है। वैसे कहते हैं ना कि अगर मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत अच्छा हुआ कि चंपक चाचा ने टप्पू की शादी करवाने की जिद छोड़ दी और एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी हम लोगों के लिए, वरना सुबह हुई नहीं कि परेशान जेठालाल की आवाज आने लगती है। मेहता साहब, लो। मेहता साहब। अरे उधर है। अरे मालूम है, इधर है उधर है, तुमको पूछ रहा हूँ क्या, काम करो अपना। मेहता साहब। जेठालाल, आज नहीं, आज इस नाचीज को बोलने का मौका दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे मुझे काम है भाई तुमसे, ये फोन जो तुमसे लिया था परेशान कर दिया इस फोन ने। अरे जब से सुबह से बात कर रहा हूँ, अंजलि से दो तीन बार बात कर रहा था, हर बार एक मिनट बात करता हूँ और कट जाती है। बेकार फोन है भाई, मुझे नया फोन ला के दो। मेहता साहब, आपको ये फोन बदले करने? हाँ। ये? हाँ हाँ। आपको पता है ये फोन मास्टरपीस है, मास्टरपीस, पूरी दुनिया में ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें बीवी का फोन आता है वो अपने आप काट देता है। अगर लोगों को पता चला ना तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे इसको खरीदने के लिए। भाई वाह जेठालाल, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम दोनों मिलके इसे बाद में नीलाम करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी मुझे नया फोन ला के दो। ओके? नहीं मानेंगे आप? ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, उत्तरायण के बाद ला के देता हूँ। उत्तरायण के बाद क्यों, क्या रेट कम होने वाले हैं फोन के? नहीं, उत्तरायण तक ऐसे वो अशुभ दिन होते हैं ना, उसमें नई चीज नहीं लेते हैं। जेठालाल, अरे तुम तो व्यापारी हो, खुद का नुकसान खुद करा रहे हो। मैं व्यापारी हूँ वो आपकी बात बराबर है, लेकिन उसके पहले मैं आपका हितेच्छु हूँ। आप मेरे हितेच्छु हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन देखो मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। तो यकीन करो। क्यों? अरे अच्छा एक बात बताओ, फिर इन दिनों में लोग शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारे दिन अशुभ होते हैं।
अरे जेठालाल, मुझे एक बात समझाओ, जब सूरज सुबह उगता है तो ये सोच के उगता है कि मैं इस मुहूर्त में उगूं या नहीं उगूं? है? जब भूख हमें लगती है तो क्या शुभ अशुभ देख के लगती है? जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो क्या ये सोच के पैदा होता है कि ये घड़ी शुभ नहीं है? जब हवाएं बहती है तो ये नहीं सोचती कि ये घड़ी शुभ है या अशुभ है? दुनिया में जो कुछ होता है वो शुभ अशुभ घड़ी के हिसाब से नहीं होता। ये हिसाब से देखना जाए तो आपकी बात में दम है। मेरे हितेच्छु दोस्त, आपको मेरी बात समझ में तो आई? अच्छा मुझे बताओ, इससे ज्यादा शुभ महीना कौन सा हो सकता है? इस महीने में हमारे पंजाबी भाई लोग लोहड़ी मनाते हैं, हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स उल्लास के साथ पोंगल मनाते हैं। तो फिर मेरा फोन फाइनल? फाइनल फाइनल, उत्तरायण के बाद लाके देता हूँ। हे भगवान, इतना समझाने के बाद भी उत्तरायण के बाद? ओ सत श्री अकाल चाचा जी, पैरी पहना। ओए आपको थोड़ी ना भूल सकता हूँ मैं। और फिर क्यों अपने चाचा चाची को मिलने नहीं आता? ओ चाचा जी मैं नहीं आ सकता हूँ, मन तो मेरा भी बहुत करता है आप सबको मिलने को, ओ चाची जी को, जग्गी को और अपना बल्लू। पर तेनू पता है ना, तेरी चाची तेनू कितना याद करती है। हमने सोचा था तू इधर लोहड़ी मनाने आएगा, तेनू पता है ना लोहड़ी आ रही है। हाँ चाचा जी पता है लोहड़ी आ रही है। क्या मतलब, तू पक्का नहीं आ रहा? चाचा जी दिल तो बहुत करता है आने का, लेकिन अपना गैराज है ना वो मना करता है आने को। ओ छोड़ यार, तू हर बार ऐसे ही बोलता रहता है, इस बार हम तेरे साथ मनाएंगे लोहड़ी, हम सब मुंबई आ रहे हैं। ओ सच्ची चाचा जी? ओए आपने तो मेरे दिल का हॉर्न बजा दिया और दिल हाईवे हाईवे हो गया। चाचा जी जल्दी आ जाओ, मजा आ जाएगा। तुहाडे नाल मेरे सारे भरावां ते भैणां नूं लेके आना और रल मिल के मजा करांगे। चाचा जी आ जाओ। और खुश कीता ही, हम सब आ रहे हैं, तू लोहड़ी दी तैयारी शुरू कर। और चाचा जी तुसी चिंता ना करो, बिस्तर बंद होते मुंबई पहुंचो और सारा इंतजाम हो जाएगा जी, बस पहुंचो मेरे भरावा पैना नु लेके। चंगा चाचा जी, सत श्री अकाल पैरी पैना। और जीता रहा पीता रहा। और तू क्यों रुक गया है? रोशन रोशन जल्दी आ यार। सोचे बाबा, ओए लुधियाना से जसवंत चाचा जी और चाची जी सबको लेके यहाँ पे लोहड़ी मनाने आ रहे हैं। सच्ची तब तो बड़ा मजा आएगा। हा? तेरे को तो हमेशा ही मजा आएगा क्योंकि दोनों तेरी हमेशा फेवर क्यों करते हैं। वो यार एक काम कर, फटाफट तैयारी करनी शुरू कर दे, हमने इस बार ऐसी जबरदस्त लोहड़ी बनानी है कि वो पंजाब की लोहड़ी भूल जाएंगे। ठीक है। ओए मक्की दी रोटी, सरसों का साग, ओए गोकुल धाम को हमने मिनी पंजाब बना देना। वे ओए लखन, ओ मैं तेनू फोन करा नहीं वाला सी यार। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार हैप्पी बर्थडे तो होगा ना जब तू यहाँ आएगा यार। ओए आऊंगा ना यार। और नहीं आऊंगा यार, थोड़ा काम है गया। और यार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा यार। तू क्या चाहता है यार? मैं अपना बर्थडे अकेले बनाऊं। यार तेरी भाभी भी तो यहाँ नहीं है ना यार। तो बात सुन, बल्लू भी आ रहा है यहाँ पे। यार तू नहीं आ रहा तो बर्थडे कैंसिल है यार। वो कैंसिल मत करना यार, मैं आ जाऊंगा। रोशन तुम उसको मना नहीं कर सकते थे? वो यार वो घर पे अकेले है, है ना, उसका कोई दोस्त है ना और कोई है, कैसे मनाएगा वो बर्थडे? मैं जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा यार। और मैं यहाँ परेशान होंगी उसका क्या? ओए रोशन मेरी जान, मैं ऐसे गया और वैसे आ गया बस। ठीक है, तो लखन सिंह को सिर्फ विश करके और खाना खाके आ जाना। ओ यार कमाल कर दिया, ओ गिफ्ट विफ्ट तो देनी पड़ेगी कि नहीं? अरे मारा केवल मतलब आए न थे बाबा, हाँ पार्टी शार्टी के लिए नहीं बैठ जाना समझे, घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उन सबकी प्लानिंग करनी है ना। और ठीक है जी, अब मैं चलूं? रोशन तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? फोन है, वॉलेट भी है, बेल्ट भी लगा रखी है। रोशन मैंने तुम्हारी फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहनी है, तुमने तारीफ भी नहीं की। ओए मैंने अपना रेड कलर का रुमाल खरीदा, तूने तारीफ की? बात करती है। पीड़े प्राय यार तू भी। माफ करना लेकिन जितनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे तू? ओ मुझे गैराज में बहुत काम है, उसके बाद 3 दिन मुझे बंद रखना ना। मेरे चाचा जी लुधियाने से आ रहे हैं। अच्छा मेहमान आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना तुम काम बंद कर रहे हो वो भी 3 दिन के लिए, ये सही नहीं है थोड़ी। आज तुम ऐसा सोच रहे हो, कल पूरा देश ऐसा करेगा तो क्या होगा इस देश का? अरे इस देश को छोड़ो, इस पूरी यार क्या बकवास किए जा रहे हैं? मेरे चाचा जी मेरे घर पे आ रहे हैं तो इसमें दुनिया का काम कैसे बंद हो जाएगा? हमेशा भाषण देता रहेगा। अरे रोशन भाभी
चूड़ी भाई, ये आपकी होम मिनिस्टर आज बहुत नाराज दिख रही थी, बात क्या है? अच्छा ना यार, क्या बताऊं तुझे, वो आज उसने मेरे फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, मैंने नोटिस नहीं किया, अब रूठ के बैठ गया। और यार मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी पे भी नहीं जाने दे रही थी। चल यार मैं चल रहा हूँ, मैनू जल्दी यार। ओके ओके। सुनो, शाम को जल्दी घर आना। कितनी बार बताओगी? बिना बताए किधर याद रहता है? सुनो रोशन, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ अच्छा, हुन जावा। क्या रोशन भाभी, अपने सीधे साधे पति को आप कितना डांट रहे हो? हाँ रे हाँ, वो तो एकदम सीधे ही हैं, एकदम जलेबी की तरह। लेकिन जलेबी तो गोल गोल होती है ना। क्या दया भाभी, अरे मजाक कर रही हूँ। भाई हाँ, परसों मुझे सरसों, मेथी, बथुआ, आलू, मटर ये सब 5-5 किलो चाहिए है। हो जी, जरूर आना। क्या रोशन बेन, सोसाइटी में पूरी सब्जी की दुकान खोलनी है क्या? अरे नहीं रे नहीं, 13 तारीख को लोहड़ी मनाने के लिए पंजाब से मेहमान आने वाले हैं। मेरे ये भी मान जाए ना, तो उत्तरायण में अहमदाबाद जाना है। लेकिन मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो पता है क्या होगा। हाँ क्या? टापू के पापा अहमदाबाद आने के लिए मानेंगे नहीं, लेकिन इसमें आपको क्यों टेंशन हो रहा है? अरे नहीं रे नहीं दया भाभी, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मुझे ये सब सब्जियां पंजाबी स्टाइल से बनानी आती ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा। रोशन भाभी, सब्जियां बने ना बने, मैं पंजाबी अचार जरूर बना के दूंगी। उंधियू चाहे तो मैं बना दूंगी। हाँ। मराठी और गुजराती दोनों मिक्स करके पंजाबी बना देंगे। हमारे देश हिंदुस्तान में जितनी बोलियां नहीं बोली जाती, उससे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, और ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं। अब देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी में भी हमारे प्रिय रोशन सिंह सोढ़ी के घर पंजाब से दोस्त आ रहे हैं लोहड़ी मनाने के लिए, और रोशन सिंह पूरी तैयारी में है लोहड़ी की, और गोकुलधाम सोसाइटी भी तैयार है स्वागत के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ मनाएंगे ना लोहड़ी? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.